रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। हालांकि इस युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे। हर मोर्चे पर वो आगे नजर आए और अपने देश के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद भी जुटाते रहे, जिसके चलते उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। लेकिन हाल ही में उनके कदम से ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल युद्ध की तबाही की आती तस्वीरों के बीच ज़ेलेंस्की ने अपनी पत्नी और फर्स्ट लेडी ओलेना के साथ वोग मैगजीन के डिजिटल कवर पेज के लिए फोटोशूट कराया है, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए हैं। ज़ेलेंस्की के इस कदम के लिए कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में ज़ेलेंस्की अपनी पत्नी ओलेना के साथ अलग अलग तरह के पोजेस में फोटोज क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना यूक्रेन के सैनिकों के साथ दिख रही है। इन फोटोज में दोनों ने अपनी शादी की कहानी, युद्ध के दौरान के जीवन और यूक्रेन के भविष्य को मैगजीन के जरिए शेयर किया है। इंटरनेशनल मैगजीन वोग में छपे इस फोटो में यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना को बहादुर बताया गया है। इसके अलावा इन तस्वीरों को ओलेना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। उन्होंने इस फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, वोग मैगजीन के कवर पर आना कई लोगों का सपना होता है और ये बेहद प्रतिष्ठा की बात है। यूक्रेन की हर महिला को यहाँ देखना चाहती हूँ जो इस समय रिफ्यूजी कैंप में युद्ध की पीड़ा झेल रही है। उनके पास इस मैगजीन के कवर पर आने का अधिकार है, वो उसकी काबिलियत रखती है। हालांकि इन तस्वीरों की कड़ी निंदा भी हो रही है। एक शख्स ने दोनों को ट्रोल करते हुए लिखा, ज़ेलेंस्की के पास ये सब कराने के लिए अभी भी वक्त है। एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, देश युद्ध के दौर से गुजर रहा है, ज़ेलेंस्की सोच रहे होंगे कि शायद मेरी पत्नी के साथ वो फोटोशूट कुछ मदद कर सकता है। एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, न जाने कितने यूक्रेनी सोल्जर यूक्रेन में युद्ध में मर रहे हैं और उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी एक युद्धकालीन थीम पर वो फोटोशूट करवा रहे हैं। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित युद्ध के कारण यूक्रेन एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। यहां व्यापक आर्थिक और जनहानि हुई है, हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नागरिकों से हथियार उठाने और रूस से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने की अपील की थी। इसके लिए नागरिकों को हथियार मुहैया भी कराए गए थे। चल रहे युद्ध के दौरान कई सैनिक और नागरिक मारे गए। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।